सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A51s के बारे में। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई सैमसंग गैलेक्सी A51s कब आएगा, क्या हम लोग सैमसंग गैलेक्सी A51s के लिए वेट करें और क्या ये स्मार्टफोन 5G होगा। सबसे पहले तो सैमसंग गैलेक्सी A51s बताया जा रहा है कि दो वेरिएंट के साथ आ सकता है, एक आएगा 4G और दूसरा आएगा 5G। जो 4G वेरिएंट होगा वहाँ पर आप लोगों को एक्जोनस का चिपसेट मिलेगा और जो 5G वेरिएंट होगा वहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G। तो कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी A51s को गीकबेंच साइट में देखा गया था और यहाँ से ये कंफर्म हुआ था कि शायद इसमें आप लोगों को 765G देखने को मिलेगा। लेकिन 2020 के स्टार्टिंग में सैमसंग ने A51 को लॉन्च किया और अब उसी का सक्सेसर यहाँ पर आने वाला है जो कि है A51s, जिस तरह सैमसंग ने 2019 के अंदर किया था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक सैमसंग गैलेक्सी A51 का सक्सेसर यहाँ पर नहीं आया है और बताया जा रहा है कि सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के मिड तक आपको सैमसंग गैलेक्सी A51s लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। हालांकि आप लोगों को एक बात सुन के निराशा होगा क्योंकि सैमसंग इंडिया के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A51s का 5G वेरिएंट शायद लॉन्च नहीं करेगा, आपको 4G वेरिएंट विथ एक्जिनोस के चिपसेट के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब जो रिपोर्ट है ये तो यही कह रही है कि शायद आपको एक्जिनोस का चिपसेट इंडिया में मिलेगा लेकिन 5G का चिपसेट आप लोगों को इंडिया के अंदर नहीं मिलेगा और मे बी सैमसंग का A51s 5G इंडिया में अलग से लॉन्च भी नहीं किया जाएगा। चिपसेट एक्जिनोस का कौन सा होगा इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक नहीं बताया गया है लेकिन होगा तो कुछ एक मिड प्रीमियम होगा। हालांकि एक्जिनोस का 9611 सैमसंग यहां पर फिर से इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि सैमसंग को पता है कि वो चिपसेट वो सैमसंग कितने सारे सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन में यूज़ किया है। तो यहां पर आप लोगों को शायद क्वालकॉम का चिपसेट मिल सकता है क्योंकि अभी आप लोगों ने लेटेस्ट में देखा कि अपने एम सीरीज में 730G दिया जो कि सैमसंग को देखते हुए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और एक बैलेंस स्मार्टफोन है। जो सैमसंग का M51 है ये हर एक डिपार्टमेंट में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सैमसंग का A51s भी आता है ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो और डेफिनेटली लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आए। हालांकि प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो अगर 5G तो थोड़ा नामुमकिन है कि सैमसंग 2020 में 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर देगा, लेकिन 5G तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा। लेकिन जो प्राइसिंग है वो बताया जा रहा है कि लगभग 28 या फिर 30,000 के आसपास सैमसंग गैलेक्सी A51s की प्राइसिंग यहाँ पर हो सकता है। जो पूरा डिपेंड होगा वो होगा चिपसेट के ऊपर कि सैमसंग यहाँ पर कौन सा चिपसेट अपने A51s में इस्तेमाल करते हैं। चिपसेट अगर सस्ता रहा तो सेम वही प्राइसिंग 20-22,000 रुपीस होगा और अगर उससे ऊपर जाते हैं यानी कि एक्जिनोस का 9630 या फिर एक्जिनोस का 990 880 तो इनमें शायद प्राइसिंग यहाँ पर इंक्रीज सैमसंग कर सकते हैं। हालांकि चिपसेट के बारे में भी कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ 5G वेरिएंट को ही यहाँ पर गीकबेंच में देखा गया था लेकिन 4G वेरिएंट भी बताया जा रहा है कि आ सकता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप लोगों को कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी डिटेल पता चलेगा मैं आप लोगों को चैनल में अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।